हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो देखिए, हम लोग आ गए हैं बीपीएफई की ऑफिशियल वेबसाइट पर। अब मैं आपको दिखाऊंगी और एक चीज मैं आपको बोलूंगी कि आप सभी जो है बीपीएफई का ऑफिशियल वेबसाइट हमेशा चेक करते रहिए, क्योंकि यहां पर कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन डेली आता है। फिलहाल जो एक नया अपडेट आया है तो वो मैं आपको दिखाने वाली हूँ। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है जो लोग भी पहले ऑफलाइन एग्जाम देने जा रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ों को ध्यान रखना है। अगर आपने इन सभी चीज़ों का ध्यान नहीं रखा तो शायद आप एग्ज़ाम भी देकर आ जाएं और पेपर भी आपका बहुत अच्छा गया हो, लेकिन अगर आपने कुछ भी गलती कर दी तो दिए गए एग्जाम से बाहर हो जाओगे। क्योंकि बहुत सारी ऐसी गलतियाँ हैं जो कि हम लोग कर देते हैं कि हमें कुछ पता ही नहीं चलता है। वीडियो छोटी ही रखी है ताकि मैं आपको कम समय में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे सकूँ। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप एग्जाम क्वालिफाई करके एक फिट पक्का कर सको। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि क्या लेकर जाना है, किन बातों का ध्यान रखना है। तो चलिए हम लोग चलते हैं वीडियो पर। तो यहाँ से हम लोग होम पेज पर चलेंगे। तो होम पेज पर यहाँ देखिए, कल के डेट में यहाँ एक इन्फो नोटिस आया है, तो उसको हम लोग डाउनलोड करते हैं, फिर हम लोग उसको देखते हैं। तो देखिए, ये जो है हमारा पीडीएफ डाउनलोड हो गया है। यहाँ पर क्या हम लोग को डालना है, सब्जेक्ट कोड, यहाँ क्या डालना है, सीरियल नंबर, और यहाँ क्या है, कैंडिडेट का जो भी रोल नंबर होगा वो यहाँ पर मेंशन करना है। चलते हैं नीचे, देखते हैं कि और क्या क्या दिया गया है। और यहाँ क्या लिखा हुआ है, रीड द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन केयरफुली बिफोर यू बिंग टू आंसर द क्वेश्चन। तो चलते हैं हम लोग और नीचे वाले पीडीएफ पर क्या दिया गया है देखते हैं। तो यहाँ देखिए, वही सेम चीज है जो कि ये लैंग्वेज पेपर के लिए दिया गया है। मैक्सिमम नंबर कितना होगा, 100 होगा। यह प्रश्न पुस्तिका दो भाग में विभाजित है, भाग वन एवं भाग टू। भाग वन अंग्रेजी भाषा के सभी के लिए समान है। भाग टू में तीन भाषा, हिंदी, उर्दू और बांग्ला है। तीन भाषाओं में से किसी एक का चयन करना है। भाग वन में प्रश्न संख्या 1 to 25 इंग्लिश का रहेगा। भाग टू हिंदी में प्रश्न संख्या H26 जो कि हिंदी के लिए है, H26 से H100 जो कि हिंदी के रहेगा। उर्दू के प्रश्नों के लिए उसका कोड रहेगा U26 से U100 एवं बांग्ला के प्रश्न के लिए रहेगा B26 से B100। सभी प्रश्नों का अंक समान है। भाग वन के प्रश्नों के उत्तर दे एवं, तो यहाँ से आपको हिंदी का कोड कैसे सेलेक्ट करना है, उर्दू का कैसे सेलेक्ट करना है और बांग्ला का कैसे सेलेक्ट करना है, आप लोग समझ चुके होंगे। अब देखिए, चलते हैं पॉइंट नंबर 4 पर। परीक्षा आरंभ होते ही आप अपनी प्रश्न पुस्तिका की जांच कर लें कि इसके ऊपर दाएं ओर प्रश्न पुस्तिका की श्रृंखला मुद्रित है। कृपया जांच लें कि पुस्तिका में भरे मुद्रित पृष्ठ हैं और कोई प्रश्न या पृष्ठ बिना छपा हुआ या फटा हुआ या दोबारा आया हुआ तो नहीं है। पुस्तिका में किसी प्रकार की त्रुटि आने पर तत्काल इसके बदले इसी श्रृंखला की दूसरी सही पुस्तिका ले सकते हैं। यानी आपकी जो बुकलेट आपको मिलेगा उसमें किसी भी तरह की अगर आपको गड़बड़ी मिलती है तो आप तुरंत इन्विजिलेटर को बोलें और उनसे उसी श्रृंखला की दूसरी क्वेश्चन आप ले सकते हैं। इस पृष्ठ के ऊपर निर्धारित स्थान में अपना अनुक्रमांक अवश्य लिखें, प्रश्न पुस्तिका पर और कुछ न लिखें। यानी जो प्रश्न पुस्तिका है उस पर सिर्फ अपना रोल नंबर लिखना है और कुछ नहीं लिखना है। प्रश्नों के उत्तर देने के लिए आपको वीक्षक द्वारा अलग से उत्तर पत्रक दिया जाएगा। अपने उत्तर पत्रक के पृष्ठ 1 पर निर्धारित स्थान में अपना नाम, रोल नंबर, प्रश्न श्रृंखला, पुस्तिका श्रृंखला अंकित नहीं करने अथवा गलत श्रृंखला अंकित करने पर उत्तर पत्रक की जाँच नहीं होगा। यानी कि अगर आपने अपना नाम, रोल नंबर या जो हम लोग का प्रश्न पुस्तिका की श्रृंखला अगर आप लोग गलत वहाँ मेंशन कर देंगे तो आपका जो आंसर फिट रहेगा उसको चेक नहीं किया जाएगा। तो ये सारी बातों को आपको ध्यान देना है एग्जामिनेशन हॉल में। उत्तर पत्रक के पृष्ठ 2 पर निर्धारित स्थान में अपने अनुक्रमांक तथा प्रश्न पुस्तिका की श्रृंखला ABCD जैसा इस प्रश्न पुस्तिका में आवरण पृष्ठ के ऊपर दाई ओर अंकित है से संबंधित कोष्ठक को काली नीली स्याही के बॉलपेंट से अवश्य कूटबद्ध करें। यानी कि जो भी आपका आंसर होगा उसमें आप या ए हो या बी हो या सी हो डी हो, उसको अगर कलर करना है तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ आपको ब्लैक और ब्लू बॉल पॉइंट का उपयोग करना है, ना कि जेल पेन का। उत्तर पत्रक पर प्रश्न पुस्तिका श्रृंखला अंकित नहीं करने पर अथवा गलत श्रृंखला अंकित करने पर उत्तर पत्रक का सही मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। तो ये सारी बातों को आप लोग बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि आपको ब्लैक और ब्लू पेन ही ले जाना है, और वो भी बॉल पेन। प्रत्येक प्रश्न के जांच पर ABCD और ई क्रम दिए हैं, उनमें से आप सबसे सही केवल एक उत्तर को चुनें और अपने उत्तर पत्रक पर गोला करें। यानी कि हम लोग का जो 5 ऑप्शन है उनमें से अगर आपका एक ही आंसर को आपको कलर करना है, ना कि आप 2 को करेंगे, वैसे स्थिति में आपका उसका नंबर नहीं दिया जाएगा।
उत्तरक पत्रक में प्रत्येक प्रश्न के सामने 5 कोष्टक इस प्रकार बने हुए हैं, ए बी सी डी, और प्रश्नों के उत्तर देने के लिए आपको अपनी पसंद के केवल एक कोष्टक को काली या नीली स्याही से के बॉल पॉइंट से भरना है। प्रत्येक प्रश्न के लिए एक उत्तर को चुने और उसे अपने पत्रक पर गोला करें। आप उत्तर पत्रक में यदि एक प्रश्न के लिए एक से अधिक कोष्टक का गोला लगाते हैं तो आपका उत्तर गलत माना जाएगा। उत्तर पत्रक में उत्तर को गोला करने के लिए केवल काले एवं नीली बॉल पेन का ही प्रयोग करें। किसी भी प्रकार का काट कूट अथवा परिवर्तन मान्य नहीं होगा, यानी आपका जो आंसर होगा तो सिर्फ एक आंसर है और आप एक क्वेश्चन के दो आंसर को कलर नहीं कर सकते हैं और उसमें कोई भी काट कूट या परिवर्तन उसमें मान्य नहीं होगा। यानी कि अगर आपने ऐसा किसी क्वेश्चन के आंसर में करते हो तो उसका नंबरिंग आपका चेक नहीं होगा। प्रश्न पुस्तिका में कोई पन्ना फाड़ना या अलग करना मना है। प्रश्न पुस्तिका और उत्तर पत्रक को परीक्षा अवधि में परीक्षा भवन से बाहर कदापि न ले जाएं। परीक्षा में समापन पर उत्तर पत्रक भिक्षक को अवश्य सौंप दें। उसके बाद आपको अपनी प्रश्न पुस्तिका अपने साथ ले जाने की अनुमति, यानी कि जो क्वेश्चन रहेगा वो आपको साथ में ले जाने के लिए मिलेगा। यानी कि आपको जो आंसर शीट रहेगा अपने इन्विजिलेटर को जमा कर देना है और बुकलेट अपने साथ लेकर घर आना है। उत्तर के अनुदेशों में से किसी एक का भी पालन नहीं करने पर आप पर आयोग के विवेकानुसार कार्रवाई की जा सकती है अथवा आपको दंड भी दिया जा सकता है। तो ये सारी बातों आप लोग समझ गए होंगे, तो इन सारी बातों को आप लोग को एग्जामिनेशन हॉल में ध्यान देना है। तो चलिए इसी के साथ आज का वीडियो हम लोग समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।